हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को मैंने बोला कि लास्ट वीडियो में कि इसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को बताऊंगा जो छूट गए हैं। वास्तविकता में ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी बुक में ये सब लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि मैं लास्ट में बताता हूँ ताकि बच्चे जो पढ़े हैं वह समरी के रूप में उसमें समझने में आ जाए। जैसे पहला क्या है, डिफरेंस बिटवीन, आप नीचे क्लास में देखे होंगे कि इस प्रकार डिफरेंस बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादातर है, सो साइंस और टेक्नोलॉजी के विषय में अंतर सभी जानते हैं, लेकिन उसको डिफाइन करने की जब बात आती है तो कुछ हो सकता है छूट जाए या समझ में लगता है कि ये बोले या नहीं, ये काफी है। लेकिन अगर हम सभी चीजों को ध्यान में देखें तो साइंस क्या होता है, ये मैं पहले भी बताया कि साइंस क्या है, कि साइंस क्या है, द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। मतलब साइंस में क्या होता है कि लॉ ऑफ नेचर के विषय में, लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना और प्राकृतिक घटनाओं के विषय में अध्ययन करते हैं, फिनोमिना, ठीक है, उसे हम लोग साइंस कहते हैं। मतलब हम लोग कि क्या कहते हैं कि द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज साइंस, इज कॉल्ड साइंस। उसको क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। या उसी को मैंने बताया था, द सिस्टमैटिक नॉलेज विच इज गेन बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन के द्वारा इज कॉल्ड साइंस। ऐसे करके मैंने बताया था शुरू के वीडियोज में। लेकिन हम लोग क्या साइंस को सिंपल भाषा में बोले तो वह क्या लॉ ऑफ नेचर के विषय में अध्ययन करते हैं। साइंस में जो भी फिजिक्स में पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े, बायो में पढ़े, किसी में भी पढ़े, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ नेचर के विषय में, कि नेचर किस प्रकार से ऐसा नियम दिया हुआ है और उसमें कौन कौन सी घटनाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोले कि अगर कोई वस्तु है सो ऊपर से नीचे गिरती है तो वह यह घटना हुआ कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सब ये घटनाएं हो गई। लेकिन इसका लॉ नियम क्या है कि ये सभी ऐसे इस पर ग्रेविटेशन के नियम को काम करते हैं। तो यहाँ पर नियम ये है, आप नेचुरल फिनोमिना क्या है सो मैंने बताया। अब यही नेचुरल लॉ, अब उसी में टेक्नोलॉजी अगर कोई पूछे कि टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, इस प्रकार से अगर बोले टेक्नोलॉजी क्या होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो लॉ ऑफ नेचर है उसका एप्लीकेशन जो किया जाता है साइंटिफिक नॉलेज में। हम ऐसे डेफिनेशन को अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि द स्टडी ऑफ या द एप्लीकेशन ऑफ, द एप्लीकेशन यानी उपयोग, किसका उपयोग, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक नॉलेज, ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान का। तो वैज्ञानिक ज्ञान कहाँ से आता है तो वह नेचर से आता है, और वह नेचर से क्यों आता है, चूंकि वह नेचुरल फिनोमिना को देखता है, वह प्राकृतिक घटनाओं को देखता है कि इस प्रकार से घटना हो रही है, तो वह नियम हुआ। और वही नियम को हम लोग क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज का जो हम लोग उपयोग करते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ क्या, साइंटिफिक नॉलेज इन, किसमें इन। अब ये साइंटिफिक नॉलेज का किसमें उपयोग करते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन, व्यवहारिक स्थिति में। अब व्यवहारिक स्थिति क्या है,
जैसे अभी अगर आप हमको देख रहे हैं तो जो कपड़ा हम पहने हैं, अगर यह कपड़ा को अगर मैं आयरन नहीं करूं, प्रेस नहीं करूं, तो क्या होगा? यह आयरन नहीं किया हुआ कपड़ा आप देखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या व्यावहारिक चीज है जिसको हम लोग ऐसे साइंटिफिक नॉलेज के माध्यम से हम लोग इस्त्री कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं। उसी प्रकार सभी चीज जैसे लाइट जो हम लोग बल्ब जलाते हैं वह भी साइंटिफिक नॉलेज का ही देन है ना, कि साइंटिफिक नॉलेज को हम लोग अपने व्यवहार में क्या लाते हैं कि वो अंधेरा को हटाने के लिए बल्ब को जलाते हैं, नहीं? तो वही कह रहे हैं कि द एप्लीकेशन उपयोग करते हैं ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, क्या वैज्ञानिक ज्ञान को इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्या व्यवहारिक स्थितियों में, ठीक है? सो दैट, इस प्रकार से कि सो दैट वा सो दैट, इस प्रकार से कि हम यहीं से अभी एग्जांपल और छोड़ेंगे। सो दैट इट, इट मतलब यहाँ क्या साइंटिफिक नॉलेज है ना, कि इट कि द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, सो दैट इट क्या करता है, अब इट का मतलब साइंटिफिक नॉलेज यहाँ का क्या कर रहा है प्रैक्टिकल सिचुएशन में उपयोग लाने के लिए, इट इम्प्रूव्स, ऐसे लिख देते हैं, इट इम्प्रूव्स न्यू डिवाइसेस, नया डिवाइसेस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है फ्रॉम नेचुरल लॉ या फ्रॉम लॉ ऑफ नेचर, फ्रॉम लॉ ऑफ नेचर किससे, प्रकृति के नियमों से, फ्रॉम लॉ ऑफ नेचर किसके लिए, फॉर भगवान किसके लिए, लॉ ऑफ नेचर का उपयोग करता है क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, किसके माध्यम से, साइंटिफिक नॉलेज के माध्यम से, क्या इम्प्रूव करने के लिए, न्यू डिवाइसेस को। अब यहाँ पर कहिएगा कि न्यू डिवाइसेस क्या हो गया, हम लोग आयरन है सो पहले करते थे चूल्हा में है सो चूल्हा में जो लकड़ी जलते थे उसके कोयला का उपयोग करके, बाद में साइंटिफिक नॉलेज क्या आया कि वहाँ पर है सो अवरण को है सो प्रयोग में लाया जाने लगा स्त्री में, और तब हम लोग है सो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी से है सो आयरन करने लगे, उससे इम्प्रूवमेंट क्या हो गई कि अब है क्या कि उसमें देखते हैं कि स्टीम ऐसो आयरन करने लगे कि आप स्टीम ऐसो इस्त्री कर सकते हैं कि बिना पानी छिड़के हुए हाथ से उसी में पानी डाल दीजिए और आयरन करिए। तो ये क्या हुआ, नया नया डिवाइसेस साइंटिफिक नॉलेज का प्रयोग करके क्या हुआ, नया नया डिवाइसेस को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, विकसित किया गया और उसको ऐसो नया रूप दिया गया, डिजाइन किया गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट डिजाइन्स है ना न्यू इम्प्रूव डिवाइसेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम किससे, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति में इस प्रकार से देखा गया तब ना वो किया गया, किसके लिए किया जाता है, फॉर किसके लिए, फॉर वेलफेयर कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, कर एक वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, नहीं ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी के कल्याण के लिए जो नियमों का उपयोग किया जाता है नए डिवाइसेस को इम्प्रूव करके प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए, किसका, साइंटिफिक नॉलेज का प्रयोग करके वही उपयोग क्या कहलाता है, इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। कहिएगा सर अभी इसके आगे और इम्प्रूव नहीं हुआ है, अगर आप लोगों को बताते कि और भी इम्प्रूव हुआ है, अगर आप वॉशिंग मशीन सुने होंगे तो कपड़ा धो करके सुखा करके इस्त्री करके अब बाहर निकाल दिया जाता है, इसका मतलब अलग से आयरन करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी, ये इसलिए मैंने उदाहरण ऐसा लिया कि आप समझे कि मतलब नेचर में जितनी घटनाएं घटती हैं उस घटनाओं से नियम को खोजा जाता है, और वह नियम को खोजने के बाद वह क्या किया जाता है, उसका एप्लीकेशन किया जाता है, किसके लिए, मानव कल्याण के लिए,
मानव कल्याण के लिए, मानव समाज हमारा जो है उसके कल्याण के लिए, उसी को हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो कहिएगा सर, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी होता है? तो ये सब बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप समाचार पत्रों में देखते रहते हैं, लेकिन अच्छा चीज सोचेंगे तो अच्छा भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप सोचेंगे सर, तो इसका मतलब साइंटिफिक नॉलेज इसका आप सुन से अगर बात किया जाए तो द एप्लीकेशन उपयोग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज का उपयोग इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्यवहारिक चीजों में, सो दैट इस प्रकार से कि इट इम्प्रूव्स या इम्प्रूव करता है न्यू डिवाइसेस, नए नए डिवाइसेस को फ्रॉम लॉ ऑफ नेचर, किससे, किसके नेचर के नियम से, क्या करने के लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी जो है हमारा समाज जो है उसके कल्याण करने के लिए, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि साइंस में हम लोग नेचर के नियमों को और उसमें नेचर में जो घटना घटती है उसके बारे में देखते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में उन्हीं नियमों का उपयोग करके समाज अपने कल्याण के लिए नए नए डिवाइसेस का इम्प्रूव करके जो उपयोग में लाते हैं उन नियमों को वह टेक्नोलॉजी का। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में यह जो डिफरेंस है ये आप हमेशा किसी भी चीज के साथ आप देख सकते हैं। ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया, आप हर एक चीज को पीछे से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा है, सो बात करते हैं कि वन लॉ ऑफ नेचर जो निकाला जाता है, प्रकृति का जो नियम निकाला जाता है वह किस माध्यम से इसको निकाला जाता है, वह माध्यम का क्या अर्थ है? तो वह माध्यम है सो मेथड का अर्थ है, और वह माध्यम को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे साइंटिफिक